मेरठ पुलिस ने होली से पहले परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में एक गन्ने के खेत में चल रही एक अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने बड़ी तादाद में असलाह और तमंचा बनाने का सामान भी बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हथियारों का मुख्य सप्लायर फरार है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। एसपी अनिरुद्ध कुमार ने बताया कि जनपद में चलाए जा रहे ट्रैकिंग अभियान के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम अहमदनगर बढ़ला के जंगल में गन्ने के खेत में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री चल रही है। सोमवार को थाना पुलिस ने मौके पर जाकर छापा मारा तो अवैध फैक्ट्री चलती मिली, जहां बड़ी संख्या में असलाह तैयार हो रहे थे। पुलिस इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। आज थाना परीक्षितगढ़ पुलिस को एक अभूतपूर्व सफलता मिली है, उल्लेखनीय सफलता मिली है, जिसमें एक गन्ने के खेत में चल रही सस फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। इस 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, भूरा, खान मोहम्मद और ताहिर। भूरा और खान मोहम्मद पे लगभग 26 मुकदमे हैं, 25 और 26 मुकदमे हैं। ये गंभीर सातिर किस्म के अपराधी हैं और पहले भी ये सस्त फैक्ट्री में जेल जा चुके हैं। इसके अलावा एक अभियुक्त फरार है, जिसका नाम है एक अभियुक्त है जुम्मा, जो कि खजूरी का रहने वाला है, जिसको ये लोग मेन सप्लाई किया करते थे शस्त्र बना करके। तो जैसे ही उसे पता चला, दबिश दी गई उसके घर पर, वो फरार हो गया है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। और इस तरीके से इस अवैध शस्त्र फैक्ट्री के द्वारा जो हमें बरामदगी हुई है, लगभग 7 तमंचे जो चालू हालत में हैं वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कई अर्धनिर्मित हैं और कई बनाने के औजार बरामद हुए हैं। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी, अभी तक इन्होंने कहां कहां सप्लाई की थी, किस किस राज्य में, किस किस जिले में सप्लाई की थी कटनी की? अभी जो इनके पूछताछ से जो हमें पता चला है, इनका जो मेन सप्लायर है वो खजूरी में रहने वाला जुम्मा है, जिसको ये मेन सप्लाई किया करते थे और वो अन्य क्षेत्रों में सप्लाई किया करते।